दोस्तों 7000 mAh की बैटरी, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G का प्रोसेसर और सोनी IMX682 का प्राइमरी सेंसर कैमरा बैक साइड में एक स्मार्टफोन के, ये सारे फ्लैगशिप फीचर्स आपको मिलेंगे एक नॉन चाइनीज स्मार्टफोन में जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी M51, मेरा नया नॉन चाइनीज स्मार्टफोन जिसकी कीमत 22,499 रुपए है मार्केट में, लेकिन मैंने खरीदा इस फोन को सिर्फ 14,560 रुपए में। कैसे खरीदा मैंने इस स्मार्टफोन को इतने सस्ते में, क्या है इसके स्पेशल फीचर्स, क्या है इसकी कमियां, ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। दोस्तों सैमसंग ने गैलेक्सी M51 के दो वेरिएंट्स लॉन्च करे हैं मार्केट में। एक है 6GB रैम 128GB स्टोरेज कैपेसिटी वाला जिसकी कीमत है 22,499 रुपए, और दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज कैपेसिटी वाला जिसकी कीमत है 24,499 रुपए। मैंने 6GB रैम वाला वेरिएंट परचेज किया जिसको मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिसके सारे फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जब मैंने अपने गैलेक्सी M51 के बॉक्स को अनबॉक्स किया तो मुझे मिली उसमें सैमसंग की स्मार्टफोन डिवाइस, 25 वॉट का चार्जर, टाइप C2C डाटा केबल, कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेपर्स और सिम कार्ड टूल। लेकिन मुझे बॉक्स के अंदर नहीं मिला कोई भी हेडसेट, ईयरफोन्स, केस कवर अपनी सैमसंग डिवाइस के लिए, ना मुझे कोई सैमसंग के ब्रांडेड स्टिकर्स मिले जो यूजुअली हमें चाइनीज स्मार्टफोन्स में जरूर मिलते हैं अगर हम कोई 20,000 के ऊपर वाला चाइनीज स्मार्टफोन लेते हैं। तो मेरे ख्याल से सैमसंग को फ्यूचर में अगर कोई 20,000 रुपए के ऊपर का फोन निकालना है या उसके ऊपर का बजट वाला फोन लॉन्च करना है तो ये केस कवर और हेडफोन्स जरूर इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि गैलेक्सी M51 के साथ आपको कुछ एसेसरीज जैसे हेडसेट्स, केस कवर नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको ये एसेसरीज चाहिए तो आपको अलग से पैसा खर्च करना पड़ेगा। मैंने अपने डिवाइस के साथ स्पाइजन कंपनी का केस कवर लिया, ये बहुत ही सॉलिड है, मजबूत है, लगाने में बहुत ही आसान है, इसका डिजाइन बहुत सुंदर है, और सबसे कमाल की बात इस पर्टिकुलर केस कवर की यह है कि इसमें मिलिट्री ग्रेड लेवल तक की प्रोटेक्शन टेस्टेड है। कीमत की बात करूं तो 800 से 900 रुपए तक की कीमत में आपको कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा या आप अमेज़न में भी इसे ले सकते हो। इसके साथ साथ मैंने अपने फोन के लिए लिया है एक स्क्रीन गार्ड पोम्पियो कंपनी का। ये जो स्क्रीन गार्ड है पोम्पियो कंपनी का, ये ट्रांसपेरेंट है, एंटी फिंगरप्रिंट है, जापानीज कंपनी का बना है, और साथ में आपको इसकी एक इंस्टॉलेशन किट मिलती है जिसमें आपको वाइप किट्स मिलती हैं तो आप स्क्रीन को वाइप कर सकते हो। आपको डस्ट एब्जॉर्बर मिलता है जिससे आप गंदगी को साफ कर सकते हो स्क्रीन गार्ड की, और आपको कुछ स्टिकर्स मिलते हैं जिनको यूज करके आप स्क्रीन गार्ड को बहुत ही आसानी से फोन के साथ फिक्स कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन गार्ड लगाना नहीं आता तो पोम्पियो कंपनी ने अपने यूट्यूब चैनल में एक ट्यूटोरियल भी बना रखा है जिसको यूज करके देख के आप स्क्रीन गार्ड को अपने गैलेक्सी M51 में लगा सकते हो। ये दोनों एसेसरीज के लिंक्स वेबसाइट के और अमेज़न के मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आपको ये एसेसरीज लेनी है आप इस फोन के साथ खरीद सकते हो, वरना किसी और कंपनी के भी चेक कर सकते हो। स्क्रीन गार्ड और केस कवर जरूर लेना, आपके फोन को डैमेज होने से बचाता है, स्क्रीन को टूटने से बचाता है, और क्योंकि इसमें 7000 mAh की बैटरी है तो उसको भी डैमेज होने से बचाता है। और अगर आपको आगे अपने स्मार्टफोन को 2 या 3 साल के बाद बेचना है तो भी अगर आपका फोन डैमेज नहीं होता तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा और आप एक नया फोन भी सस्ते प्राइस में ले सकते हो, क्योंकि अगर आपका फोन डैमेज हो गया तो फोन की प्राइस गिर जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि हम फोन को बेच ही नहीं पाते। अब फाइनली गैलेक्सी M51 के टॉप फीचर्स को डिस्कस करते हैं जिसको लेके सैमसंग ने इस पर्टिकुलर डिवाइस को लॉन्च किया है मार्केट में, जिसमें से सबसे पहला फीचर जो सैमसंग ने बताया हमें इस फोन में वो है इसकी 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी। अब 7000 मिली एम्पेयर की जो बैटरी है दोस्तों, मैंने जब ये स्मार्टफोन खरीदा मुझे बहुत भारी लगा, 213 ग्राम का स्मार्टफोन का वेट है, और मैं जो पहले फोन यूज करता था वो था Realme 3 Pro जिसके अंदर 4000 मिली एम्पेयर की बैटरी थी और वो बहुत लाइट था। तो ये फोन लेने के बाद शुरुआत में तो मुझे बहुत ही भारी लगा, मुझे ये समझ नहीं आया कि इस फोन को कैरी करने का मतलब ये है कि आप बहुत सारा लगेज कैरी कर रहे हो। लेकिन एक हफ्ता इस फोन को जब मैं रेगुलरली यूज करता रहा, अब बड़ा नॉर्मल बन गया है, अब ऐसा लगता है कि इस फोन का जो वेट है वो वैसे मेरे पहले फोन के जैसा ही है। तो अगर आप 4000 या 5000 मिली एम्पेयर की बैटरी वाले फोन्स यूज कर रहे हो और अचानक से आप इस फोन को ट्रांसफॉर्म करते हो, खरीदते हो और चेंज करते हो, तो आपको पहले तो बहुत भारी लगेगा, लेकिन फिर धीरे 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 जैसे हम जिंदगी में हर चीज से यूज हो जाते हैं, इस पर्टिकुलर फोन के साथ भी आप यूज हो जाओगे। उसके बाद दोस्तों एक हफ्ता फोन को यूज करने के बाद मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये लगा कि मैं सिर्फ एक स्मार्टफोन लेके नहीं चल रहा, मैं एक पावर बैंक लेके भी चल रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग ने इसके अंदर एक और फीचर डाला है वो है रिवर्स चार्जिंग का। यानी कि आप इस 7000 मिली एम्पेयर की बैटरी के साथ किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को भी इस फोन के साथ कनेक्ट करके उसे चार्ज कर सकते हो। तो अगर आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो तो ये सिर्फ डिवाइस
स्मार्टफोन की तरह काम नहीं आएगा, आपकी एक पावर बैंक की तरह भी काम आएगा। और अगर आपको फुल्ली बैटरी को चार्ज करना है तो आपको 2 घंटे लगेंगे बैटरी को पूरा चार्ज करने में, और 2 घंटे चार्ज करने के बाद आप इस फोन को लगभग 2 दिन तक पूरा इस्तेमाल कर पाओगे बिना चार्ज के। अब दोस्तों ये तो कुछ अच्छी बातें हो गई 7000 mAh की बैटरी की, लेकिन अगर मैं एक बायर के दिमाग से सोचूं तो सबसे पहला जो सवाल मेरे दिमाग में आता है वो ये आता है कि क्या हमें 7000 mAh बैटरी की जरूरत है, और अगर है तो क्या सैमसंग और सारे स्मार्टफोन्स मिलके अब पावर बैंक्स की मार्केट को इंडिया में बंद करने वाले हैं? क्योंकि आजकल हम लोग स्मार्टफोन्स में टीवी देख रहे हैं, टीवीज की मार्केट बंद हो गई, हम लोग गेम्स खेल रहे हैं, गेमिंग कंसोल्स की मार्केट कम हो गई है, और हम लोग कैमरा सबसे ज्यादा स्मार्टफोन में यूज कर रहे हैं तो कैमराज की मार्केट भी डाउन है, तो क्या अब स्मार्टफोन्स पावर बैंक्स की मार्केट भी डाउन करने वाले हैं? और अगर सैमसंग ने इतनी बड़ी बैटरी डाली है स्मार्टफोन में अपने, तो सैमसंग ने एक चीज सोची, क्योंकि जब हम लोग फ्लाइट्स में जाते हैं तो यूजुअली वो पावर बैंक्स की जो बैटरी होती है वो फ्लाइट्स में ले जाने नहीं देते, वो कहते हैं इसे आप चेक इन बैगेज में डालो। तो क्या आप इस स्मार्टफोन को फ्लाइट के अंदर ले जा सकते हो, या आपको ये स्मार्टफोन को चेक इन में डालना पड़ेगा? तो मुझे नहीं पता, अभी तो जब मैं फ्लाइट पे जाऊंगा तभी मुझे पता चलेगा, लेकिन आगे जितना हम इस फोन को यूज करेंगे, इस बैटरी के साइज को यूज करेंगे, तब हमें पता चलेंगी ये पर्टिकुलर चीजें। साथ में सैमसंग ने इसके साथ एक 25 वॉट का चार्जर दिया है, तो दोस्तों 25 वॉट के चार्जर के साथ मुझे 2 घंटे लग जाते हैं एक पर्टिकुलर बैटरी को चार्ज करने में एक टाइम में। हाँ, ये बात अच्छी है कि एक टाइम चार्ज करने के बाद 2 दिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो अच्छी बात है, लेकिन 2 घंटे बैटरी चार्ज करना बहुत ज़्यादा टाइम है वैसे भी आजकल की दुनिया में, जहाँ पे सारे हमारी जो लाइफ है वो पर्टिकुलर स्मार्टफोन से चल रही है। कभी कभी ऐसे भी मोमेंट्स आ जाते हैं जब हमें बहुत जल्दी से इंस्टेंटली चार्ज करना है और जाना है, जो कि आपको चाइनीज स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं, जैसे वूक फ्लैश चार्ज मिल जाता है आपको चाइनीज कंपनीज के स्मार्टफोन्स में। तो मेरे ख्याल से सैमसंग को ये ज़रूर सोचना चाहिए, अगर आप इतनी बड़ी बैटरी डाल रहे हो तो आपको फास्ट चार्जिंग की फीचर और एक अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्जर इस पर्टिकुलर फोन के लिए, या अगर आप इस साइज की बैटरी डाल रहे हो उसके लिए जरूर डालना चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो मेरे दिमाग में आई इस पर्टिकुलर बैटरी को लेके, वो ये कि इसकी लॉन्गेविटी कितनी रहेगी, लाइफ कितनी रहेगी इस पर्टिकुलर बैटरी की, क्योंकि आजकल हम लोग स्मार्टफोन्स 1-2 सालों में बदल देते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि जिस बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे आज 2 घंटे लगते हैं, आज से 6 महीने बाद या 1 साल के बाद इस पर्टिकुलर बैटरी को चार्ज करने के लिए मुझे 4 घंटे या 6 घंटे लग जाएं, या फिर 2 दिन तक मैं अभी तक फोन को चार्ज नहीं करता अगर मैंने एक बार चार्ज कर लिया, तो ऐसा तो नहीं कि आने वाले 1 साल में मुझे इस पर्टिकुलर बैटरी को 1 दिन में ही 3 चार्ज करना पड़े। तो ये जो सब सवाल जो दिमाग में आएंगे आपके भी एज अ बायर, ये तो सब आपको बाद में ही पता चलेंगे जब हम सैमसंग की इस पर्टिकुलर फोन को इस बैटरी के साथ इस्तेमाल कर लेंगे 1 साल या उससे ज्यादा टाइम तक। जहां तक मैं बैटरी के गर्म होने की बात करूं, तो मैंने इसमें नेटफ्लिक्स की मूवीज देखी, मैंने कम से कम गेमिंग जो कॉल ऑफ ड्यूटी है थोड़ा देर 1-2 घंटे खेल के देखा, तो नेटफ्लिक्स की मूवीज जब देखी 10% तक बैटरी लूज हुई, गेमिंग खेलते हुए 2-3 घंटे फिर भी 10-15% बैटरी लूज हुई, तो बैटरी पावर तो बहुत अच्छी चल रही है अभी तक, और फोन गर्म भी नहीं होता क्योंकि फोन के अंदर जो प्रोसेसर है वो भी बैटरी के इक्विवेलेंट है, इसके अंदर स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर है, तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा प्रोसेसर है वो, तो बैटरी गर्म तो बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो ये तो चीजें बहुत अच्छी है। लेकिन फिर भी 7000 mAh की बैटरी, क्या आपको ये लेनी चाहिए? मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आपको 15-16 हजार में एक फोन मिल रहा है जिसमें आपको चाइनीज स्मार्टफोन्स में 4000 mAh की बैटरी मिल रही है, 5000-6000 तक की आ गई है, तो अगर उसी बजट में अब आपको 7000 mAh बैटरी को एक्सपेरिमेंट करने का चांस मिल रहा है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्यों छोड़ना है? क्योंकि अगर इतने कम बजट में एक बड़ा ब्रांड सैमसंग जैसा ब्रांड आपको 7000 mAh की बैटरी एक्सपेरिमेंट करने का चांस दे रहा है, तो मेरे ख्याल से तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, ये पर्टिकुलर फीचर तो बहुत ही अच्छा है इस पर्टिकुलर स्मार्टफोन में। दोस्तों यूजुअली सैमसंग के फोन्स में आपको एक्सोनस का प्रोसेसर मिलेगा, लेकिन गैलेक्सी M51 में सैमसंग ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 730G का प्रोसेसर डाला है। ये 730G का प्रोसेसर ऑक्टा कोर है, इसके अंदर जो 2 कोर्स हैं वो सिर्फ फास्ट परफॉर्मेंस के लिए काम करते हैं 2.2 GHz की स्पीड में, और बचे हुए 6 कोर्स पावर एफिशिएंसी के लिए काम करते हैं 1.8 GHz की स्पीड में। 7000 mAh की बैटरी, 730G का स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन गैलेक्सी M51 को एक बहुत ही फास्ट परफॉर्मेंस मशीन बना देता है, क्योंकि 730G का प्रोसेसर जो है वो स्पेशली अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया था, जिसकी वजह से इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड है उसकी परफॉर्मेंस में आप बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे, वाईफाई की ऑप्टिमाइजेशन देखोगे, यहां तक कि जीपीयू में भी अच्छे रेजोल्यूशन देखोगे। तो अगर आप वीडियोस बनाने का शौक रखते हो, एक क्रिएटर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो,
तो ये फोन बहुत अच्छा है। अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा खेलते हो तो फिर ये फोन बहुत ही जबरदस्त है। और 7000 मिली एम्पेयर के साथ अगर हम 730G का क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर को जोड़ दें तो फिर तो दोस्तों बहुत ही जबरदस्त मशीन बना दी है सैमसंग ने। दोस्तों एक अच्छा कैमरा स्मार्टफोन में दम ले आता है, और आज एक फोन लेने से पहले हर इंसान सबसे पहले कैमरे को जरूर चेक करता है, क्योंकि हर इंसान को सेल्फीज लेने का शौक है, हर इंसान फोटोग्राफर बन गया है और फोटोज के बिना आज कोई जी नहीं सकता। इसलिए सैमसंग ने गैलेक्सी M51 में जो प्राइमरी सेंसर डाला हुआ है बैक साइड में, उसका पहला कैमरा प्राइमरी कैमरा सोनी IMX682 का है 64 मेगापिक्सल्स के साथ। सोनी कंपनी के बारे में तो मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है, कैमरास की इंडस्ट्री में सबसे बड़ी कंपनी मानी गई है। और अगर मैं बाकी कैमरास की बात करूं बैक साइड में, तो आपको 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, 5-5 मेगापिक्सल के मैक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर कैमरास मिलते हैं। फ्रंट साइड पे बात करें तो आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। और सिर्फ यही नहीं, इस पर्टिकुलर फोन के कैमरा में आपको इतने सारे फीचर्स मिलते हैं, अगर आपको नाइट फोटोग्राफी करनी है, पनोरामा मोड फोटोग्राफी करनी है, हाइपरलैप्स वीडियो बनानी है, स्लो मोशन सुपर स्लो मोशन की वीडियो बनानी है, आपको कोई सिंगल टेक की फोटोग्राफी करनी है, फूड फोटोग्राफी करनी है, इतने सारे फीचर्स हैं कि अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन सकते हो इस फोन के साथ। यहां तक कि आप अपने इमोजीज भी बना सकते हो, वो तो सैमसंग के बड़े जो हाई बजट वाले फोन्स थे उनमें फीचर था, लेकिन ये मिड रेंज वाले फोन में भी इमोजी बनाने का फीचर है। अब दोस्तों सैमसंग ने इतने सारे तो फीचर्स दे दिए कैमरा में, लेकिन दो फीचर्स को भूल गया, एक तो बोके मोड और एक पोर्ट्रेट मोड। वो गैलेक्सी M51 में आपको नहीं मिलेंगे, जो यूजुअली चाइनीज स्मार्टफोन्स में आपको जरूर मिलेंगे। मुझे नहीं समझ आया सैमसंग ने ये दोनों फीचर्स को क्यों मिस कर दिया, क्यों स्किप कर दिया, क्यों अपने फोन में नहीं दिया, लेकिन मेरे को लगता है कि सैमसंग को फ्यूचर में ये दोनों फीचर्स को भी अपडेट करना चाहिए अपने कैमराज में। उसके बाद जो अगला सवाल मेरे दिमाग में आता है इतने सारे कैमरा के फीचर्स देखते हुए, वो ये आता है कि क्या इतने सारे फीचर्स, इतनी सारी फोटोग्राफी हम करेंगे। तो अगर मैं पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो यूजुअली मैं अपने स्मार्टफोन की लाइफ स्पैन में सेल्फी कैमरा ज्यादा यूज करता हूं और बैक साइड का प्राइमरी सेंसर कैमरा यूज करना पसंद करता हूं। लेकिन अगर आपको फोटोग्राफी स्किल्स अपनी इंप्रूव करनी है और फोटोग्राफी का बहुत शौक है, तो गैलेक्सी M51 में आपको इतने सारे फीचर्स मिलेंगे कि आपको एक ओरिजिनल कैमरा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि एक ओरिजिनल DSLR कैमरा या मिररलेस कैमरा की फोटोग्राफी बिल्कुल एक्सेप्शनल होती है, उसे आप स्मार्टफोन के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी के पास बजट नहीं है, पैसा नहीं है DSLR या मिररलेस कैमरा खरीदने का, तो वो एक स्मार्टफोन से सब कुछ कर सकता है। और एक और क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में जरूर आता है इतने सारे कैमरा फीचर्स को देखते हुए, कि ये सारे कैमरा के फीचर्स, इतनी सारी फोटोग्राफी की स्किल्स जो सैमसंग ने दे दी है अपने कैमरा सेंसर में, वो करते क्या है। तो दोस्तों आप जब फोटोज लोगे इन पर्टिकुलर कैमरास के साथ, तो आपकी फोटोज की क्वालिटी बहुत अच्छी आएगी, क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी, और आपकी जो फोटोज हैं वो प्रोफेशनल लेवल तक की स्किल्स दिखाएंगी। यानी कि अगर आपको फोटोज लेना आता नहीं है, आपको ज्यादा फोटोग्राफी का शौक नहीं है, पता नहीं है कैसे फोटोग्राफी होती है, तो भी अगर आप एक सिंपल तरीके से फोटो लेते हो इस पर्टिकुलर कैमरे के साथ, तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी आएगी। दोस्तों टॉप फीचर्स के साथ साथ अगर मैं कुछ बेसिक फीचर्स की बात करूं इस फोन में, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। आपको 6.7 इंचेस की स्क्रीन मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 प्रोटेक्शन के साथ, आपको सुपर एमुलेट प्लस इन्फिनिटी ओ का डिस्प्ले मिलता है, जो कि बेस्ट डिस्प्ले माना गया है, और सैमसंग के स्क्रीन और डिस्प्ले तो वैसे ही सबसे अच्छे हैं स्मार्टफोन की मार्केट में। 420 निट्स का आपको ब्राइटनेस मिलता है, फोन की थिकनेस 9.5 mm तक की है। अगर मैं फोन की आउटर बॉडी की बात करूं, तो आपको साइड में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, वॉल्यूम रॉकर मिलता है, नीचे फोन के आपको 3.5 का mm हेडफोन जैक मिलता है, आपको USB टाइप सी डाटा केबल लगाने का पोर्ट मिलता है, और आपको स्पीकर ग्रिल मिलती है। फोन के ऊपर साइड में देखेंगे तो आपको नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिलेगा, और अगर आप फोन के इस साइड पे देखोगे तो आपको सिम कार्ड, 2 सिम कार्ड स्लॉट्स मिलते हैं और माइक्रो SD कार्ड स्लॉट मिलता है। गैलेक्सी M51 जो फोन है 2 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, सेलेस्टियल ब्लैक और इलेक्ट्रिक ब्लू। मैंने ब्लैक कलर वाला फोन खरीदा क्योंकि जो मेरा पुराना फोन था वो ब्लू कलर का था। आपको जो भी कलर्स पसंद है उस कलर का आप फोन खरीद सकते हो। अगर मैं फोन के कुछ अंदर के फीचर्स की बात करूं, तो इस फोन में आपको Android 10 One UI Core 2.1 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है,
और जब आप फोन को स्टार्ट करते हो तो आपको 5 सिक्योरिटी फीचर के ऑप्शंस मिलते हैं। आप पिन से फोन को लॉक कर सकते हो, पैटर्न यूज कर सकते हो, पासवर्ड यूज कर सकते हो, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर यूज कर सकते हो और फेस अनलॉक का भी फीचर मिलता है आपको। जब मैंने फेस अनलॉक का फीचर सेलेक्ट किया तो मुझे 2 ऑप्शंस मिलती हैं। आप ग्लासेस लगा के फेस को अनलॉक लॉक का फीचर यूज कर सकते हो या बिना ग्लासेस के यूज कर सकते हो। मुझे लगता है आगे सैमसंग को मास्क का भी फेस अनलॉकिंग लॉकिंग फीचर लगाना चाहिए, क्योंकि कोविड के बाद मास्क पहनना बहुत जरूरी हो गया, तो वो भी सैमसंग को अपडेट करना चाहिए। फिर जब मैंने फोन ऑन किया तो आपको बहुत सारी एप्स मिलेंगी फोन में जो यूजलेस एप्स हैं, फालतू की हैं, जैसे कैंडी क्रश गेम मिलती है आपको, आपको ट्रिलर मौज जो शॉर्ट वीडियो एप्स हैं वो एप्स ऑलरेडी लोडेड मिलती हैं, तो वो सब मैंने डिलीट करी। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो। आपको नोटिफिकेशंस बहुत सारी मिलेंगी इस फोन में, तो आपको सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा, वरना आपको पूरा आपका जो फोन है वो नोटिफिकेशन से भर जाएगा। और आपको बहुत सारी लोडेड वॉलपेपर्स और थीम्स मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर फोन में, तो आप अगर जिस तरीके से चाहो अपने फोन को सुंदर बना सकते हो, डेकोरेट बना सकते हो सुंदर सुंदर वॉलपेपर्स और थीम के साथ जो ऑलरेडी सैमसंग आपको इस फोन में देता है लोडेड। दोस्तों ये सब फीचर्स तो ठीक है, लेकिन फिर भी सैमसंग ने एक पर्टिकुलर फीचर बहुत इंपॉर्टेंट जो था उसे मिस कर दिया, और मुझे लगता है सैमसंग को इस पर्टिकुलर फीचर को जरूर अपडेट करना चाहिए फ्यूचर में। क्योंकि जब आप बॉक्स को खोलोगे तो सैमसंग ने लिखा है मेड इन इंडिया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, उसके बाद बॉक्स की जब आप सील खोलोगे तो सील के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर आपको इस फोन को एक्टिवेट करना है तो आपको इंडियन सिम कार्ड सबसे पहले यूज करना पड़ेगा, आप फॉरेन सिम कार्ड यूज नहीं कर सकते। तो जब सैमसंग इतना सारा मेड इन इंडिया को फोकस कर रहा है तो सैमसंग ये चीज कैसे भूल सकता है, और वो ये चीज है कि सैमसंग ने इसके अंदर इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम ही डाला जो कि नेविक है। इसके अंदर आपको नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम मिलेगा जैसे GPS, ग्लोनास, गैलीलो, बायदू, जो बायदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो चाइना का है, तो सैमसंग ने चाइनीज नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डाल दिया, लेकिन इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है जो नेविक है, जो रेडमी के फोन में भी आ चुका है, रेडमी 9 प्रो में भी हमने देखा, वो सैमसंग डालना ही भूल गया, जबकि सैमसंग सारी की सारी जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है वो मेड इन इंडिया ब्रांड से कर रहा है। तो सैमसंग ने इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो डाला ही नहीं, जो मेरे ख्याल से इंडियंस को बहुत दुख पहुंचाएगा, और सैमसंग को आगे के फोन्स में इसको जरूर डालना चाहिए या इसी फोन के लिए कोई सॉफ्टवेयर भेजना चाहिए, ताकि अगर वो मेड इन इंडिया ब्रांड कह रहा है तो फिर नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तो डालो, ताकि ये जो पर्टिकुलर स्मार्टफोन है गैलेक्सी M51 कंप्लीटली इंडियन बन जाए। और अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे मैंने अपना सैमसंग गैलेक्सी M51 का जो स्मार्टफोन है जिसकी कीमत मार्केट में 22,499 रुपए, उसको मैंने कैसे सिर्फ 14,560 रुपए में खरीद लिया। तो दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया, अमेजोन का ग्रेट इंडिया फेस्टिवल आया था जिसमें अमेजोन ने ऑफर निकाली हुई थी कि अगर आप HDFC बैंक के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से कोई भी चीज अमेजोन पे खरीदते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है, मैंने उसका इस्तेमाल किया। और जो मेरा पुराना फोन था उसको मैं अमेजोन की वेबसाइट पे एक्सचेंज नहीं कर पाया जब मैंने गैलेक्सी M51 खरीदा, क्योंकि मैंने स्क्रीन तोड़ दी थी अपने पुराने फोन की, तो मैंने उस पुराने फोन की जिसकी स्क्रीन टूट गई थी उसे cashify.in एक वेबसाइट आती है उस पे मैंने रीसेल कर दिया, जो 6,090 रुपए तक का बिका। तो अगर आप 22,499 रुपए से 6,090 रुपए काटते हो और 10% अमेजोन का HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड का ऑफर जो है 1,750 रुपए काटते हो तो बन जाता है फोन 14,560 रुपए का। इसी तरीके से दोस्तों आप भी बहुत सारी ऑफर्स यूज कर सकते हो, जो भी फेस्टिवल ऑफर्स आती हैं अमेजोन की तरफ से या फ्लिपकार्ट वेबसाइट पे आती हैं, आप उनको यूज करके फोन्स पे डिस्काउंट ले सकते हो। और अगर आपके फोन टूट गया है या आपके पास कोई पुराना फोन पड़ा है तो उसको भी आप रीसेल कर सकते हो, बेच सकते हो और पैसे कमा सकते हो, और जो नया स्मार्टफोन लेना चाहते हो उसको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीद सकते हो। अच्छी वेबसाइट जो मैंने वेबसाइट यूज करी उसका नाम है cashify.in, जहां पे मैंने अपने पुराने सेलफोन को बेचा, लेकिन ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको आप अगर गूगल पे जाके एक कीवर्ड लिखोगे कि सेल ओल्ड फोन्स तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स दिख जाएंगी जहां पे आप अपने पुराने फोन्स को बेच सकते हो। अलग अलग वेबसाइट्स पे चेक कर लेना, अगर आपको जिस वेबसाइट पे ज्यादा प्राइस मिलेगा अपने फोन का उसी पे आप सेल करना। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो को मैं एंड करूंगा, मैंने इतनी सारी बातें करी गैलेक्सी M51 के बारे में, मैं इतना एक्साइटेड था आपको इतना सारी चीजें बताने के लिए फोन का कि मैं भूल ही गया कि मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करना,
जो दोस्त सैमसंग का फोन ले रहा है उसके साथ तो जरूर शेयर करना इस वीडियो को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप गैलेक्सी M51 लोगे या नहीं लोगे, आपको इस वीडियो में कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा गैलेक्सी M51 का, और अगर आपके कोई सवाल है इस पर्टिकुलर वीडियो से लेके तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं वीडियो एंड करने वाला था लेकिन एक बहुत ही कमाल की खबर आई है। अमेजोन और फ्लिपकार्ट की दिवाली सेल आ गई है जहां पे इन्होंने सैमसंग गैलेक्सी M51 का रेट 1000 रुपये गिरा दिया है। तो अभी दोनों वेबसाइट्स में 21,499 रुपये दिखाई जा रही है। और अगर आप कोई क्रेडिट या डेबिट कार्ड की अपने बैंक की ऑफर यूज़ करते हो या अपने पुराने सेलफोन को बेचते हो सकता है आप गैलेक्सी M51 को मेरे से भी सस्ते में खरीद लो। तो जाओ इन ऑफर्स को चेक करो और सैमसंग गैलेक्सी M51 को खरीदो। बाय बाय।